मुग्धा भारती और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। यूं तो हम आपको देश विदेश की और भारत की से जितने भी राज्य हैं उनकी खास खबरें दिखाते ही रहते हैं, लेकिन आज हम जो बात करने वाले हैं वो है मध्य प्रदेश की और सिंधिया की। दरअसल बात यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 22 विधायकों के साथ जब कांग्रेस छोड़ी थी और बीजेपी में शामिल हुए थे, तो वो इसी सपने के साथ और इसी विजन के साथ बीजेपी में आए थे कि उन्हें आने वाले चुनावों में सीएम फेस बनाया जाएगा और मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री भी बनाया जाएगा। लेकिन जब वो उसमें बीजेपी में शामिल हुए तो उसके बाद दूसरा ही एंगल देखने को मिला कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को केंद्रीय कैबिनेट में जगह दे दी गई और उन्हें उद्यान मंत्री बना दिया गया। तो क्या सिंधिया अपने सपने को छोड़ चुके हैं? क्या वो भूल चुके हैं कि वो किस विजन से बीजेपी में शामिल हुए थे, या वो शिवराज सिंह चौहान के आगे अपनी हार मान चुके हैं? आज हम इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे। मेरे साथ इस चर्चा में मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी ऋतिक सविता। तो आइए बातचीत करते हैं इस विषय पर और जानते हैं कि आखिर ज्योतिरादित्य सिंधिया का ये जो 2023 में आने वाले विधानसभा चुनाव है मध्य प्रदेश में, उसको लेकर उनका विजन क्या है, बदल गया है या अभी भी वही है। तो ऋतिक, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। ऋतिक, मेरा आपसे पहला सवाल यही है कि जैसा कि मैंने अभी कहा कि सिंधिया इसी विजन के साथ बीजेपी में आए थे कि उन्हें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, वो है मुख्यमंत्री की, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वो शायद उद्यान मंत्री बनकर ही खुश हैं, इस पर आपका क्या कहना है? कहा जाए तो ज्योतिराज सिंधिया वही चेहरा है जिसने कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुआ और ये दिखा दिया था कि हम मुख्यमंत्री बना सकते हैं तो मुख्यमंत्री गिरा भी सकते हैं। एक तरफ देखा कि कमलनाथ जो मुख्यमंत्री बन चुके थे उनकी जो है सत्ता हिल जाती है, कुर्सी हिल जाती है, वहीं शिवराज सिंह चौहान फिर से मुख्यमंत्री बन जाते हैं। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि यहां पर जो सपना देखा गया था कि ज्योतिराज सिंधिया जिस विजन के साथ, जिस सोच और अप्रोच के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे कि वो सीएम बनेंगे, लेकिन इनसे उनको बहुत पीछे रखा गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि शिवराज सिंह चौहान जहां इंस्टाग्राम पर देखा जाए या ट्विटर पर देखा जाए, हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से देखा जाए यहाँ पर कि ज्योतिराज सिंधिया वही चेहरा है जिसने कहीं ना कहीं देखा गया कि कमलनाथ को सीएम पद से दूर कर दिया और शिवराज सिंह चौहान को जो है सीएम की कुर्सी सौंप दी। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ज्योतिराज सिंधिया जो सोच और अप्रोच के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे उस सपने से बहुत दूर हो चुके हैं। अगर देखा जाए यहाँ पर तो आज भी मध्य प्रदेश की बात करें तो ग्वालियर की बात कर लो आप, यहाँ पर देखा जाए तो इसके साथ साथ आप इंदौर की बात कर सकते हो, भोपाल की बात कर सकते हो, जहाँ पर जनता खुद कहती है कि हमारा सीएम कैसा हो, सिंधिया जैसा हो, इसके बावजूद भी बीजेपी पार्टी कहना कि शिवराज सिंह चौहान को आगे रखती है। आपको याद होगा कि अभी शिवराज सिंह चौहान लगातार अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर देखा जाए तो एक एक घंटे लाइव आ रहे हैं, एक एक घंटे लाइव में यही कहते हैं कि मेरे प्रिय भांजे भांजियों, उनको मामा जी प्यार से बोला जाता है। अगर आपने इतना काम किया है तो आखिर क्यों आज सिंधिया के नारे लगाए जा रहे हैं? दूसरा सवाल यहां पर मुद्दा यह भी उठता है कि शिवराज सिंह चौहान, जी हां शिवराज सिंह चौहान, आज ये समझना पड़ेगा उनको कि मध्य प्रदेश आज कहीं ना कहीं दिल्ली से 40 साल पीछे है, आज मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश से कहीं ना कहीं 20 साल पीछे है। तो आज मध्य प्रदेश पीछे क्यों है? आज क्यों शिक्षकों को संपदा पे काम करना पड़ रहा है? देखिए भारतीय जनता पार्टी की मैं मान सकता हूं कि पकड़ अच्छी है, आपके पास शेड्यूलिंग अच्छा है, सब कुछ बेहतरीन है, लेकिन जो कहीं ना कहीं एक फेस क्वालिटी की बात करते हैं, जैसे सीएम की आप बात कर रहे हैं, अगर यहां पर देश की सरकार यानी कि नरेंद्र मोदी की सरकार अगर यहां पर ज्योतिराज सिंधिया को आगे रखती है तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जीत भी होगी, नहीं तो कमलनाथ तो अहम चेहरा कांग्रेस में निभा ही रहे हैं। तो चलिए मान लेते हैं कि आगे जो चुनाव होगा उसमें दोनों के साथ चुनाव लड़ाया जाए, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी रहे और शिवराज सिंह चौहान भी रहे, लेकिन और बीजेपी मान लीजिए वो चुनाव जीत भी जाती है, तो क्या जो राजस्थान में पायलट और गहलोत के बीच में हो रहा है, क्या उस तरीके की तस्वीर हमें मध्य प्रदेश में देखने के लिए मिल सकती है? देखिए आंतरिक कलह की अगर आप बात करें यहाँ पर तो लगातार देखा जाता है, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान या सिंधिया का आंतरिक कलह की बात कर लो आप, चाहे गहलोत या सचिन पायलट की आंतरिक कलह की बात कर लो, या आप कमलनाथ और सिंधिया की आंतरिक कलह की बात कर लो, ये लगातार देखा जाता है। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं कमलनाथ को भी ये ध्यान रखना होगा कि आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश के चुनाव में सक्रिय हो चुकी है और महज 10 साल में राष्ट्रीय पार्टी बनी है। तो यहाँ पर कमलनाथ अपने दम पर जो चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ पर कमलनाथ ने साफ तौर पर कहा था कि सिंधिया कोई तोप नहीं है, यानी कि यहाँ पर कमलनाथ ने खुद के स्तर पर कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए दरवाजे कांग्रेस के बंद कर दिए थे। ये कहीं ना कहीं बड़ी गलती कमलनाथ ने शायद की, क्योंकि आपको याद होगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जब भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश पहुंची तो तारीफ की थी, उन्होंने कहा था कि भारत जोड़ो यात्रा की
तारीफ की, राहुल गांधी की तारीफ की थी, लेकिन इसके बावजूद भी देखा गया कि कहीं ना कहीं आज ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस ने भी बहुत दूर कर दिया गया। तो आप दो चेहरों की जो बात कर रहे थे, जैसे आपने एग्जाम्पल यहाँ पर गहलोत और पायलट को लेकर दिया, वो एग्जाम्पल आज मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि शिवराज सिंह चौहान कतई नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर सिंधिया मुख्यमंत्री बन के आए। हालांकि शिवराज सिंह चौहान ने यह बात एक्सेप्ट की है कि अगर आज वो सीएम है तो सिर्फ और सिर्फ सिंधिया की वजह से है। आपने 15 साल राजनीति की, आप 15 साल सीएम रहे शिवराज सिंह जी, आपने किया क्या? अगर आप कुछ करते तो आप हारते नहीं। हारने के बाद आपको सिंधिया ने यहाँ पर मुख्यमंत्री फिर से बनाया, लेकिन आपने कहीं ना कहीं उनको पीछे रख दिया। तो मुझे लगता है कि दोनों चेहरे अहम है, लेकिन इस वक्त अगर हम चुनाव की बात कर रहे हैं, अगर हम 2023 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो सिंधिया अहम चेहरा है। और अगर सिंधिया के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा तो मुझे लगता है कि सीएम सिंधिया को ही बनाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो जैसे कि शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वो जो मुख्यमंत्री आज बने हैं वो ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से ही बने हैं, और सिंधिया बीजेपी में आए थे मुख्यमंत्री बनने के लिए, लेकिन अब बीजेपी ऐसा लग रहा है जैसे सीएम की रेस में उन्हें पीछे करते हुए शिवराज को आगे रख रही है। तो क्या शिवराज के ये शब्द कहना कि आज हम अगर मुख्यमंत्री हैं तो सिंधिया की वजह से, ये क्या सिंधिया को एक झूठा दिलासा देने के लिए है या फिर बीजेपी में रोकने के लिए? अगर देखा जाए तो ये बहुत बेहतरीन सवाल आपने पूछा, ये दिलासा है। ये मुझे लगता है कि जहां तक देखा जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को भारतीय जनता पार्टी से दूर करने ना करने दिया, ये इसलिए किया गया क्योंकि आप देखिए कि अगर एक बड़ा चेहरा जैसे सिंधिया की आपने बात की, अगर वो आम आदमी पार्टी में चले जाते हैं या फिर कांग्रेस पार्टी में चले जाते हैं, अगर बीजेपी को छोड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका बीजेपी को लगेगा। तो कहीं ना कहीं ये दिलासा है, और ये बड़ा सवाल यहां पर इसलिए खड़ा होता है क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ, सॉरी यहां पर शिवराज सिंह चौहान, अगर दोनों एक साथ चुनाव प्रचार करते हैं, स्टार प्रचारक की सूची में शामिल होते हैं, तो मुझे लगता है कि दोनों मिलकर चुनाव जीत जाएंगे। दोनों के मिलने की बात तो तब होगी ना जब ये तय कर पाएगी बीजेपी कि चुनाव में किसे सीएम फेस बना जाए, शिवराज को या फिर सिंधिया को। और सिंधिया है कि वो चाहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूं, शिवराज भी यही चाहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूं। तो क्या इस बार बीजेपी जो है वो फिर से पीएम मोदी के ही फेस को आगे रख के करेगी चुनाव, या फिर दोनों में से किसी एक को उसे चुनना पड़ेगा? क्या ये बीजेपी के सामने धर्म संकट है? देखो, धर्म संकट की अगर आप बात करें तो यहाँ पर देखा जाए कि चाहे निकाय चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे एमएलसी का चुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो, कोई भी चुनाव देश में होता है तो कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाता है, क्योंकि आपको पता है कि देश के प्रधानमंत्री ब्रांड बन चुके हैं। कोई भी चुनाव होता है लगातार देखा जाता है देश। आप ये देखिए ना, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल है, लेकिन आप किसी से बाइट लेने जाएंगे, आप ग्राउंड पर उतरेंगे, आप पूछेंगे कि आप इस बार किसको वोट देंगे अम्मा, तो अम्मा क्या कहती हैं कि हम तो भैया मोदी जी को वोट देंगे। यानी कि आप देख लीजिए कि भाजपा पार्टी कहाँ है, बीजेपी कहाँ है, कमल कहाँ है, ये सब कुछ गायब है। मोदी यानी कि हर जगह मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी के नारा भी लगाया जाता है। तो मुझे यहाँ पर लगता है कि अगर आप में खुद दम है, अगर आप लड़ सकते हैं, आपने जमीनी स्तर के मुद्दों पर काम किया है, तो चाहे वो सिंधिया हो, चाहे वो यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान हो, दोनों का चेहरा अहम हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए आपने उन कामों से आप वंचित रहे। लगातार देखो तो मध्य प्रदेश में युवा जो है यहाँ पर रोजगार के लिए भटकते हैं, किसानों की हालत क्या है, गन्नों का मूल अभी तक नहीं दिया गया है। इसके साथ साथ तमाम ऐसे जमीनी स्तर के मुद्दों की बात कर लो, रोटी कपड़ा मकान की बात कर लो, इस पर काम नहीं किया गया। तो मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री का चेहरा तो अहम होगा, लेकिन अगर यहाँ पर पार्टी आलाकमान ये घोषणा कर देती है कि हाँ सीएम फेस सिंधिया या शिवराज होंगे, तो मुझे लगता है कि चुनाव एक तरफा हो जाएगा और जनता अपना खुद का फैसला कर लेगी। तो ये थी कि पूरी की पूरी मध्य प्रदेश की राजनीति कि वो इस वक्त कैसे राजस्थान के ट्रैक पर चल रही है। जैसे राजस्थान में गहलोत वर्सेस सचिन पायलट हुआ पड़ा है, ऐसे ही हो सकता है आने वाले समय में ये जो 2023 के विधानसभा चुनाव हो रहे हैं मध्य प्रदेश में, उनमें भी उनके हो जाने के बाद अगर बीजेपी जीत जाती है, तब की बात कर रहे हैं हम, तब ये जो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह वर्सेस सिंधिया हो जाए। लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा कि बीजेपी अगर इस धर्म संकट में फंसती है कि उसे शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया में से किसी एक को चुनना पड़े तो वो किसे चुनेगी, ये वक्त बताएगा। लेकिन इतना तो ज़रूर साफ है कि शायद सिंधिया कहीं ना कहीं अपना पथ भटक चुके हैं, वो जिस उद्देश्य के साथ बीजेपी में आए थे वो उद्देश्य वो भूल चुके हैं। इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 News।